जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मेरा जिक्र किया है मोहतरम मसद कैसर साहब ने, मैं याद कराना चाहूँगा कि कल पुलिस गई है लीडर ऑफ अपोजिशन के घर, तो आपने इंटरवीन किया है। हम कैद थे, असद कैसर साहब ने एक दफ़ा भी प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं दिया और नाम यहाँ पे गिरफ्तार होते रहे हैं। अम्बेसी रोड से मैं गिरफ्तार हुआ, स्पीकर साहब जो उस वक्त के थे, कोई उसके ऊपर जो है कोई इत्तेजाज नहीं किया इन्होंने। फिर वो रात याद करें जब यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, आधे घंटे के अंदर 52 बिल्स जो है इन्होंने पास करवाए। इससे बड़ी तोहीन इस ऐवान की कभी तारीख में नहीं हुई, जो इनकी स्पीकरशिप में जो हुई, 52 बिल जो है आधे घंटे में इन्होंने पास करवाए। यहां पे जो लोगों के साथ हुआ है, ये बैठे हुए हैं, राणा साहब बैठे हुए हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, गिनते जाएं यहां पे वो लोग बैठे हैं जिन्होंने कैदे काटी पीटीआई के जमाने में। स्पीकर बोला कुकू बन के आपकी सीट पे बैठा हुआ था, कोई नहीं बोला, किसी ने इत्तेजाज नहीं किया, कोई नहीं बोला इनका। ये आज कहते हैं कि हमें तकरीरों के लिए टाइम देते थे, पहले पूछते थे कि इमरान खान आए या ना आए, आपने तकरीरें करनी है तो वो नहीं आता, ये खुद हमें ये कहते थे, दफ्तर में बुला के कहते थे। आज ये कह रहे हैं कि मैंने हाउस बड़ी अच्छी तरह चलाया। इन्होंने जो रवायात मुरतब की अपनी स्पीकरशिप में, वो शर्मिंदा होता है ये ऐवान वो रवायात याद करके। ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? इन्होंने जो इस ऐवान की तोहीन की हुई अपनी स्पीकरशिप के दौरान, वो इस ऐवान की कार्रवाई का हिस्सा है। एक हमारा असीर जो है मैंने उसकी मदद के लिए नहीं आया, एक के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर इशू किया, नहीं किया, उनको रिलीफ दी जब वो गिरफ्तार हो रहे थे, इनको नोटिफाई किया गया, नहीं किया गया, ना इन्होंने कोई हेल्प किया, ना इन्होंने इत्तेजाज किया। आज उठ के जो है पाक साफ बन के कह रहे हैं कि मैंने ये किया और मैंने वो किया, को खुदा का खौफ करो, कोई शर्म करो, कोई या करो। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्म्ड बाय क्लॉज 1